हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, बार्क द्वारा जो यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है वो है आपके रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि फ्रेंड्स आपके यहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल द्वारा इनवाइट की गई है, और जो कि फ्रेंड्स इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन OCES या फिर DGFS 2020 के लिए है। तो यहां पर फ्रेंड्स, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, इसके जो भी डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन है, LGT कंडीशंस हैं, वो आपको सभी मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर भी आपको इसके अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इसके होम पोर्टल पर, और होम पोर्टल पर आने के बाद यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फ्रेंड्स आराम से आप पढ़ लीजिए, यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर आपको एग्जाम फीस दी गई है, साथ में क्या क्या आपके क्राइटेरियाज हैं वो आपको दिया गया है, और यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताई गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी हम यहां पर डिटेल फिल करेंगे वो फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते हुए इसको फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने से पहले सभी डिटेल को चेक जरूर कर लीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं सबसे लास्ट में स्पेस पर, जहां पर आपको डिक्लेरेशन करना है, और डिक्लेरेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर ऑप्शन एक्टिवेट होगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, और यहां पर आपको मिलेगा कि जो आप यहां पर जो एग्री है वो आप करते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन जो बाउचर है ये पढ़ लिया है, आप एलिजिबल हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ डिसिप्लिन मिल जाएंगी, आप डिसिप्लिन सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वालिफाइड डिग्री, तो आपने बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक की हुई है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको टाइटल सेलेक्ट करना है आपका नेम का, तो मिस्टर, मिस या मिसेज आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है आपके नाम का, तो आपका फर्स्ट नेम यहां मैंडेटरी है। उसके बाद मिडिल या लास्ट नेम आपके पास है, आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर दोबारा से आपका जो नाम है ये कंफर्म करना होगा, ये कंफर्म करना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मदर नेम का, तो मदर नेम का भी आपको फर्स्ट नेम यहां पर देना है, यदि मदर नेम के पास आपके मिडिल नेम या लास्ट नेम है आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से है आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर देखिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है दो दो बार। तो फ्रेंड्स यहां पर जो भी आपकी मेल आईडी है और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, जब आप यहां पर इनको दो बार फिल कर देंगे, इसके बाद इनको आप दोबारा से कंफर्म कर लेंगे। ये फ्रेंड्स कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक OTP आएगी और वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी, और वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो प्रोसेस करने के लिए डिटेल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, दो बार आपको ये एंट्री करनी है। इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल के लिए यहां पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको बनाना होगा, तो लॉगिन आईडी आप जो बनाएंगे वो 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहां पर कोई भी एक आईडी जनरेट कर लें, और उसको अवेलेबिलिटी उसकी है या नहीं है वो आप चेक कर लें। यदि ये अवेलेबल है तो आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल आपको यहां पर मैसेज शो करेगा, मतलब आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, और यदि यहां पर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरी आप यहां पर लॉगिन आईडी बना सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड, तो पासवर्ड फ्रेंड्स आपको 5 से 10 कैरेक्टर का बनाना है, और इसमें फ्रेंड्स लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सभी आपको रखने होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आपको यहां दिया गया है ऊपर जो कॉम्बिनेशन है लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर का, ये आपको इंक्लूड करने हैं आपके पासवर्ड में, और पासवर्ड को दो बार यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर है कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा, तो आप यहां पर कोई भी डिटेल बता सकते हैं, जो भी आप यहां पर बताना चाहें। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड एंटर करके यहां से करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपने जो लॉगिन आईडी बनाई है वो आपको यहां मिल जाती है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट थ्रो OTP का, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जिससे आपकी जो OTP है वो आपकी जाएगी, और उससे आप यहां पर आगे आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ फिल करनी है, आपका जो पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो आपको यहाँ फिल करना है, और एक जो ओटीपी आपके पास आई है वो आपको यहाँ फिल करके ये कैप्चा कोड लिखना है, और यहाँ से आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अकाउंट फ्रेंड्स एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ मैसेज मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको बस सिंपली यहाँ से आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये कैप्चा कोड डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर शो करेगा, आपका नाम, आपकी लॉगिन आईडी आपको यहां मिलती है। अब यहां पर जो हम इस फॉर्म को फिल करेंगे वो इन स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां ऑप्शन मिलता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करके इस डिटेल को यहां पर फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल सेक्शन में आने के बाद आपको यहां पर देखिए सबसे पहले जो डिटेल फिल करनी है वो है आपके आधार नंबर, जो कि आपको विदाउट स्पेस यहां पर एंटर करना होगा, और आपका जो नाम आपके आधार कार्ड में अंकित है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपके फादर नेम का, तो सेम आपके फादर का फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या उसके अलावा मिडिल नेम अगर आपके पास है तो आप यहां पर जो भी नेम अवेलेबल है वो आप एंट्री कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑप्शन, तो देखिए जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि बात करें फ्रेंड्स यहां पर एससी कैंडिडेट या फिर एसटी कैंडिडेट के लिए, तो फ्रेंड्स यहां पर कास्ट या फिर ट्राइब का ऑप्शन होता है। तो देखिए जो एससी या एसटी होती है ये आपकी कैटेगरी है, इसके अंतर्गत जो भी आपकी जाति है, कास्ट है, वो आप यहां मेंशन कर देंगे। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कास्ट लिखी होगी, बाकी आप जानते होंगे आपकी क्या कास्ट है या जाति है वो आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ एससी या एसटी के लिए पूछा गया है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप डिपेंडेंट हैं, जो कि दंगों में जो अफेक्टेड हुए थे 1984 के, वो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। यदि आपका डोमिनशियल था कश्मीर डिवीजन में इस टाइम के दौरान, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। यदि आप डिपेंडेंट हैं डिफेंस पर्सनल जो एक्शन जो हुआ था डॉक पीआई का, उसमें अगर फ्रेंड्स आप यहां पर एलिजिबल हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। यदि आप यस करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होगा आपके फिजिकल जो चैलेंज जो कैटेगरी है उसको, और उसके बाद जो आपकी एक्सटेंडेड और डिसेबिलिटी है वो आपको यहां बतानी होगी, नहीं तो आप यहां पर भी नो कर सकते हैं। नो करने के बाद आपके सारे ऑप्शंस ये बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपके कम्युनिकेशन एड्रेस का सेक्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एड्रेस लाइन फर्स्ट आपको यहाँ लिखना मैंडेटरी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपका एड्रेस बड़ा है तो आप मल्टीपल लाइंस में इसकी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सिटी आपको मेंशन करनी होगी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मेंशन करना होगा, आप किस स्टेट के निवासी हैं वो आपको यहां सेलेक्ट करना होगा, और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहां फिल करना होगा। यदि फ्रेंड्स आपका जो एड्रेस है वो सेम है, मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट आपको एक ऑप्शन मिलता है सेम एस का, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यदि ये अलग अलग है आप इसको अनटिक रहने दें और मैनुअल एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सेक्शन है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो देखिए आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो फ्रेंड्स 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको जेपीजी इमेज में आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन का प्रीव्यू देखने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे सबसे पहले, और सेव करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद फ्रेंड जो आपका सेकेंड स्टेप है, जो कि है आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, वो आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा आपने किस डिसिप्लिन और डिग्री को सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। आपकी जो क्वालिफाइड डिग्री सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आपको सभी यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो आप यहाँ फिल करेंगे, और मान लीजिए किसी कंडीशन में आपको आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट नेम है उसका नाम आपको पूरा लिखना है, और आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपको एड्रेस यहां पर मेंशन करना होगा। तो आप फर्स्ट लाइन में एड्रेस मेंशन कर देंगे, अगर एड्रेस बड़ा है तो आप सेम यही मल्टीपल लाइन में इसकी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वो किस सिटी में था, उसके बाद आपका जो स्टेट है वो किस स्टेट से आपने डिग्री कंप्लीट की है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है उस कॉलेज का पिन कोड, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पर देनी होगी, और उसके बाद आपका एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहां पर एंटर करनी होगी, ये आप यहां एंटर कर देंगे। यदि मान लीजिए आपका सीजीपी सिस्टम है तो आपको यहां बताया गया है जैसे 7.12 आपका यहां पर सीजीपी है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहां पर 10 से, जो आपकी परसेंटेज हो जाएगी वो हो जाएगी 71.20। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप
परसेंटेज की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है प्री डिग्री क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पर अगर आपने 12th से डिग्री की है या डिप्लोमा से की है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसकी जो डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे 12th सेलेक्ट किया हमने तो 12th की डिटेल आ गई, अगर डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होती। इसके बाद फ्रेंड्स बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, आपका स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, आपका जो सिटी बताना होगा कि आपका स्कूल किस सिटी में था, इसके बाद स्टेट आपको चूज करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करना होगा, और आपकी एग्रेड परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी होगी। सेम फ्रेंड्स आपके 12th की डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है, आपके बोर्ड का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपकी सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और एग्रेड परसेंटेज। तो यहाँ पर आपकी जो 12th एंड 10th है उसकी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है। इसके बाद कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपके पास से आप देना चाहते हैं, उस क्वालिफिकेशन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज आप यहां पर देकर इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन का। तो स्क्रीनिंग चैनल में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू एडमिशन या फिर आप यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट चाहते हैं। तो सबसे पहले है ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद है गेट स्कोर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप ऑनलाइन टेस्ट चूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है आगे प्रोसेस होगा जो भी इसका प्रोसीजर रहेगा। अगर मान लीजिए आप गेट स्कोर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिर्फ गेट स्कोर बेस पे रहने वाला है, तो आपका जो भी गेट स्कोर होगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप चाहते हैं दोनों में ही आप यहां पर अप्लाई करना तो आप बोर्ड का सेक्शन भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप यहां पर ऑनलाइन टेस्ट सिलेक्शन करते हैं तो यहां पर आपको 3 सेंटर्स को जो है चूज करना होगा आपके एग्जाम सेंटर के लिए। यदि आप गेट स्कोर चूज करते हैं तो आपको यहां पर बताना होगा जो आपको 2019 का जो स्कोर कार्ड आपके पास है या नहीं है वो आप बता सकते हैं, और मान लीजिए आप गेट 2020 दे रहे हैं तो वो भी आप यहां पर उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप दोनों ही देना चाहते हैं, आप इस सेक्शन कंडीशन में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपके जो भी एग्जाम सेंटर्स आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद आपका जो वेन्यू है, एग्जाम वेन्यू वो कहाँ कहाँ हो सकता है वो आपको यहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है जो भी आप सेंटर चूज करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है जो कि आपके गेट स्कोर मोड का है। यदि मान लीजिए आप गेट 2020 दे रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत यहां पर नहीं है, पर मान लीजिए आप गेट 2020 की बजाय 19 के थ्रू स्कोर के थ्रू आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका गेट ईयर है 2019 सेलेक्ट करना होगा, आपका डिसिप्लिन जो भी आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और सैंपल गेट स्कोर कार्ड भी आपको दिया गया है। इसके बाद जो आपके मार्क्स हैं गेट में जो कि आपको 1 से लेकर 100 के बीच होते हैं वो आपको देना है, गेट स्कोर आपको देना है जो कि 1 to 1000 के बीच में रहेगा, और आपकी जो स्कैन कॉपी है गेट 2019 स्कोर कार्ड की वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 150 KB के बीच में अपलोड करनी होगी। यदि आप गेट 2020 के थ्रू देना चाहते हैं तो आप इसको अनटिक रहने देंगे, कोई भी डिटेल आपको फिल करने की जरूरत यहां पर नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना है जो कि मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। यदि आपने पहले कभी अप्लाई किया है बार्क ट्रेनिंग स्कूल के लिए तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं है आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू के लिए पहले अप्लाई हुए हैं अपीयर हुए हैं तो आप यहां पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को ही ब्लैंक रहने देंगे और यहां से इसको सेव करके आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर एप्लीकेशन फी पेमेंट वाला सेक्शन यहां पर एक्टिवेट होगा। तो फ्रेंड्स यहां तक आने से पहले या फिर आपका मेक पेमेंट करने से पहले आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल की है वो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फीस एक बार आप पे कर देते हैं उसके बाद यहां पर कोई भी एडिट आप नहीं कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट जिनकी फीस यहां पर नहीं लगेगी उनका जो फॉर्म है वो सीधे फाइनल सबमिट हो जाएगा, और फाइनल सबमिट होने के बाद वो इसका प्रिंट निकाल पाएंगे। अब पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं तो आप मेक पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो भी यहां पर चूज करना चाहें उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपके कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और कार्ड पे जो होल्डर नेम है वो आप यहां एंटर करके पे नाउ कर सकते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग यूजर हैं तो नेट बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं किसी भी बैंक की, और उसके बाद अपना जो पेमेंट है वो आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपको फ्रेंड्स ये दोबारा से रिडायरेक्ट कर देगा आपके होम पेज पर जो कि एप्लीकेंट लॉगिन का पेज रहेगा, और आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा आपके जो आपकी पेमेंट फीस है वो सक्सेसफुल होने का। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से लॉगिन करेंगे पासवर्ड डालकर, और उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है ये करके आप यहां से इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दोबारा से लॉगिन करने के बाद जब आप अपना पेमेंट कंफर्म कर देंगे आपको यहां पर इसको फाइनल सबमिट करना होगा।
इसके लिए फ्रेंड्स आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको फ्रेंड्स दोबारा से एक मौका मिलेगा इनको एडिट करने का। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई एडिट आपको करना है, कोई गलती आपकी हो गई है, आप यहां से इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर जो ये सबमिट एप्लीकेशन वाला सेक्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां एक मैसेज मिलेगा कि अब यहां से अब एक बार सबमिट करने के बाद आप कोई भी यहां पर एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर आप ओके करना है यदि आप कोई भी एडिट नहीं करना चाहते हैं और इसको आप यहां से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहां मिल जाएगा और यहां पर जो ये व्यू एप्लीकेशन सेक्शन है इस पर आप क्लिक करके आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप आएंगे और यहां पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां से आप इसका प्रिंट आउट ले पाएंगे। और आपका जो पेमेंट है वो आप स्टेटस स्टार्टिंग में भी चेक कर सकते हैं या फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको यहां मिल जाती है, आपका अमाउंट मिल जाता है। और आप यहां पर अगर आपको सबकी डिटेल देखने को मिल जाती है आप यहां पर प्रिंट कर सकते हैं और इसका जो प्रिंट आउट है वो आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं अपने पीसी पर या फिर इसका प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ में सेव करने में दिक्कत आती है आपके प्रिंट आउट को तो फ्रेंड्स अपने पीसी पर आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ 24 सॉफ्टवेयर, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से इसको प्रिंट कमांड दे सकते हैं और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर OCES या DGFS 2020 के साइंटिफिक ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।